नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है। बात करेंगे आखिरकार इसमें प्राथमिक पर बीएड शामिल होगा या नहीं, पूरी तरीके से बात करेंगे। केबीएस में स्पष्ट तौर पर नोटिस जारी करके ये आगाह कर दिया है कि प्राथमिक मर किसका कब्जा होगा, ये आपको दिखाते हैं। चैनल पर जितने साथी पहली बार आए हैं, इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक लेटर लिखा गया था कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस को। यहाँ पर ये मांग की गई थी, पूरी तरीके से ब्यौरा दिया गया था कि रिस्पेक्टेड सर काइंडली टेक रेफरेंस द गजट नोटिफिकेशंस। पूरी तरीके से ये बताया गया था कि जो गजट है 28 जून 2018 का, जिसके आधार पर पीआरटी में यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को पात्र किया गया था, उसका पूरा हवाला दिया गया है। और बाद में ये मेंशन कर दिया गया है कि ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट राजस्थान ने 25/11/2021 को अंडर रिट पिटीशन 1853/2021 गजट नोटिफिकेशंस डेट 28 जून 2018 नल्टीफाइड एंड ऑफ द डेट 12 जनवरी 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व द ऑर्डर रिगार्डिंग एब्डोबेस्ट केस। मतलब यहां पर मेंशन किया गया है कि जोधपुर जो हाई कोर्ट है उसने कहीं ना कहीं 28 जून 2018 के गजट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व है। डियर, तो आप इस रिकॉर्डिंग जो बीएड है प्राथमिक में उसको शामिल ना कीजिए। डियर, ये मांग की गई थी, लेकिन केबीएस के द्वारा क्या जवाब आया है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है विद रेफरेंस टू योर ग्रेवेरियस इन द इनफॉर्म यू दैट इज व्हाट ऑलरेडी मेंटेन्ड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 दैट केबीएस हैज अलाउड बीएड विद ए मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड क्वालिफाइड सीटेट वन पेपर कैंडिडेट टू अप्लाई एंड अपीयर पास्ट पोस्ट ऑफ पीआरटी अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022 अवेलेबल ऑन द केबीएस वेबसाइट वाइड नोटिफिकेशंस डेट 12/12/2022। हाउ यर द सिलेक्शन इन द पैनल सब्जेक्ट टू आउटकम द एसएलपी इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज द डिसीजन ऑन द जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट राजस्थान डेटेड 25/11/2021 पेंडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि डियर कि हमें पता है कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो हमने अपने जो एडवर्टाइजमेंट है जब नोटिफिकेशन हमने केबीएस का जारी किया था तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि अगर आर्डर बीएड के अगेंस्ट आएगा तो बीएड साथियों की ना फीस वापस की जाएगी और ना ही उन्हें प्राथमिक में लिया जाएगा। तो पूरी तरीके से केबीएस ने स्पष्ट तौर पर यह संदेश दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर आएगा अंतिम रूप से उसी के हिसाब से केबीएस की पीआरटी वैकेंसी में बीएड को ट्रेंड किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि केबीएस में वही होगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्डर आएगा। अगर बीएड के अगेंस्ट आर्डर आता है तो निश्चित तौर पर बीएड के साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन पीआरटी में टीचर नहीं बन पाएंगे। अगर बीएड के पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पर पीआरटी केबीएस में बीएड के साथ ही टीचर बन पाएंगे। हो सकता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं आ रहा है उसी की वजह से जो केबीएस पीआरटी का रिजल्ट है वो लगातार डिले होता नजर आ रहा है। आपने देखा था काफी समय से इसके एग्जाम्स हो चुके हैं लेकिन अभी तक केबीएस का जो पीआरटी का सेक्शन का रिजल्ट है वो आखिरकार केबीएस के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। हो सकता है कि केबीएस इसी अंदाज में लगा हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ऑर्डर है वो डिलीवर्ड हो जाए और उसके बाद रिजल्ट आए ताकि जो विवादास्पद स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरीके से साफ हो सके। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा बीएड के लिए प्राथमिक के लिए उसी तरीके से हम अपनी भर्ती प्रक्रिया में बीएड को ट्रेंड करेंगे। डियर, उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर होंगे। कोई सवाल अभी छूट गया है कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।